हेलो बच्चों, वेलकम टू द चैनल। सो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं आपका मिसेलेनियस एक्सरसाइज। ठीक है, सो मिसेलेनियस एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे आपके चैप्टर नंबर 2 का। आप आपके टेक्स्ट बुक को रेफर कर सकते हो। तो यहाँ पे मिसेलेनियस एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 2 मेट्राइसिस का 2.A है। देखिए उसको हम लोग स्टार्ट करेंगे। ठीक है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। हर एक क्वेश्चन को ट्राई करेंगे कवर करने का, मैक्सिमम क्वेश्चन तो कवर कर ही लेंगे। तो चलो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है आपका। तो पहला क्वेश्चन आपको एक मैट्रिक्स का दिया हुआ है और आप क्या कहा है उसमें रिड्यूस करना है आपको, और आपको उसमें कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन यूज करना है। चलो ठीक है। क्या है आपको 1 2 3 क्या दिया हुआ है आपके मैट्रिक्स में? 1 2 3 0 1 3 0 1 3 00 1। ठीक है, तो मेरे को ये क्या करना है अभी, रिड्यूस करना है। रिड्यूस इट टू I3, रिड्यूस इट टू I3, करेक्ट, बाय यूजिंग कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन। देखो इन्होंने कंडीशन दिया है कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन का, तो अभी याद रखना अगर हमें कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन करना है तो क्या करना पड़ेगा, हमें पहले रो के एलिमेंट्स को जीरो करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए अभी ये तो 1 है, ये 1 है, ये 1 है, तो ये डायगोनल एलिमेंट सारे 1 है, तो ठीक है। और लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स ये 0 है, ये 0 है, ये 0 है, तो समझ लो आधा सॉल्व ही है ऑलरेडी। आपको खाली ये 2 3 और 3 इनको ही आपको 0 में कन्वर्ट करना है, तो बहुत ही मिनिमम स्टेप में हो जाएगा। तो याद रखना ये आपको कैसे करना है, बाय कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, हम लोग कैसे करेंगे इसको, बाय कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन। तो सबसे पहले हमें ये सब करने से पहले क्या करना पड़ेगा, इसका डिटरमिनेंट निकालना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा ये सिंगुलर है कि नॉन सिंगुलर है। अगर इसका डिटरमिनेंट जो है अगर 0 आता है तो आगे हम इसका इनवर्स निकाल ही नहीं पाएंगे। ठीक है, आगे ये सॉल्वेबल होगा ही नहीं, तो ये चेक करना पड़ेगा। अगर नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है तो ही आगे जाके ये काम होगा। ठीक है, तो पहले इसका डिटरमिनेंट निकालते हैं। तो डिटरमिनेंट निकालना आपको आता है, ये क्या होगा, 1 × 1 − 3, ये 0 है तो ये 0 हो जाएगा, इज इक्वल्स टू ये आपका क्या आ जाएगा यहाँ पे 1। बाकी इन दोनों का निकाल के कोई फायदा नहीं है क्योंकि ये ऑलरेडी 0 0 है। सो 1 ≠ 0, तो ए क्या है आपका, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हो गया, करेक्ट। ये हो गया आपका नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, चलो समझ में आ गया। तो अभी आप इसको कैसे करोगे, जब भी मान लीजिए अगर आपको इसको आगे ट्रांसफॉर्म करना है, तो अभी हमारे पास क्या कंडीशन दिया है कि आपको कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन यूज़ करना है। ठीक है, सो कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन मैं यूज़ करूँगा, तो आप देख रहे हो कि पहला ये जो 2 और 3 है, मैं सिंपली क्या करूँगा, इसको माइनस कर दूंगा, C1 tends to C1 − C2। तो इससे क्या होगा, ये वाला एलिमेंट 0 हो जाएगा और ये वाला एलिमेंट 1 हो जाएगा। आई बात समझ में? हम लोग इसको सॉल्व करके देखते हैं हमारे पास क्या मैट्रिक्स आता है। सिंप्लीफाई करो, जितना होता है उसको तोड़ के सिंप्लीफाई करो। तो 0 1 3 इस तरीके से लिखा, 0 0 1 ये लिख दिया हमने, आपका बाकी अभी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। सो C1 − C2 करेंगे, 1 − 0 1, 2 − 1 1, और अभी क्या बचा, 3 − 3 0। ओके डन, चलो ये पार्ट हो गया मेरा सॉल्व इतना। अभी यहाँ पे और क्या मुझे करना है, अभी आप देख पा रहे हो यहाँ पे कितने पार्ट को जीरो करना है, 1 और 3 को जीरो करना है। किसको करना है, 1 और 3 को जीरो करना है। तो इस केस में अभी हम लोग क्या करेंगे, इतना तो मैट्रिक्स हमको मिल गया, अभी इसका क्या बना, यहाँ पे आपका आंसर ये 1 0 एंड ये 1 1 0 इस तरीके से बन गया आपका। तो C1 हमने क्या किया, यहाँ पे फर्स्ट वाले में क्या किया हमने, C1 − C2 कर दिया था। ठीक है, सो आई बिलीव कि अगर हम लोग C1 − C2 कर रहे हैं तो इससे हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे, कि अभी इस चीज़ को अगर मैं ट्राई करूँगा 0 लाने के लिए तो ये पॉसिबल ही नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हो कि ये 1 है, इसको मैं माइनस करूँगा तो इसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी, यहाँ से मैं माइनस करूँगा तो यहाँ पे तो 0 है, मतलब हो ही नहीं पाएगा। तो आप इसको C1 − C2 तो नहीं कर सकते। ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा यहाँ पे, इसको अगर ट्वाइस करके माइनस करेंगे तो ये वाला पार्ट जो है 0 हो जाएगा। ठीक है, और इसको बाद में हम लोग 0 कर सकते हैं बाय यूजिंग ये थर्ड कॉलम से। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, 2C2 करते हैं। ठीक है, यहाँ पे C1 − C2 से काम नहीं होगा, 2C2 करना पड़ेगा। तो क्या आ जाएगा वैल्यू अभी इसका, तो ये पार्ट जो है 0 हो जाएगा मेरा। ठीक है, और ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा, अगर मैं इसको 3 × 2 = 6 कर दूँ तो ये हो जाएगा मेरा −3, क्या होगा मेरा −3। ठीक है, आई बात समझ में?
चलो तो ये पार्ट मेरा हो गया यहाँ पे। देन अभी मुझे क्या करना है, इसको जो है इस वाले पार्ट को अभी मेरे को करना है 0, और इस वाले पार्ट को मेरे को करना है 0। तो ये बहुत इजी है, अभी तो कोई टेंशन ही नहीं है। इसमें क्या करूँगा मैं, पहले वाले कॉलम को तो मैं क्या करूँगा, C1 टेंस टू C1 प्लस क्या करूँगा, 3C3। तो इससे कि ये फर्स्ट कॉलम 0 हो जाएगा। दूसरा प्रॉपर्टी क्या करूँगा, C2 टेंस टू C2 माइनस 2C सॉरी 3C3। करेक्ट। सो इससे दोनों भी 0 हो जाएगा। ये प्रॉपर्टी हम लोग यूज़ करेंगे, तो 100 मैं एज इट इज लिख देता हूँ यहाँ पे। आपका यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ पे 0 आएगा, एंड आपका ये जो है 1 एज इट इज यहाँ पे रहेगा। तो मेरे को क्या करना है, पहला C1 में +3C3 करना है। तो ये तो 0 है, तो 3 इंटू 0 कुछ भी करूँगा 0 ही रहेगा यहाँ पे। ठीक है, नीचे का क्या आएगा, -3, और यहाँ पे 3 1 ज़ा 3, सो -3 + 3 दैट इज 0। ओके, C2 में क्या करना है, C2 माइनस 3C3 करना है। तो ये 0 0 है, तो इसको हमने छोड़ दिया यहाँ पे। लास्ट वाला क्या बचा, 3 3 माइनस 3 इंटू 1 3, सो 3 माइनस 3 इज इक्वल टू 0। हो गया कंप्लीट हमारा, 2 स्टेप में सिंपल था। करेक्ट। तो इस तरीके से आप लोग सॉल्व कर सकते हो। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है उसको भी हम लोग चेकआउट करते हैं। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन है, आपको मैट्रिक्स दिया हुआ है ए, और उसमें क्या वैल्यूज है उसकी, 2 1 1 1 0 1 3 1 1, बराबर 1 0 1 एंड 3 1 1, ये आपको दिया हुआ है मैट्रिक्स। ठीक है, इसको बोला रिड्यूस इट टू I3, मतलब बोले तो 3 क्रॉस 3 में ही आपको इसको रिड्यूस करना है। चलेगा, ठीक है, बाय यूजिंग रो ट्रांसफॉर्मेशन। पहला कॉलम था, अभी रो हो गया, रो ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, तो अभी पहले कभी भी देख लो कि ये मैट्रिक्स आपका नॉन सिंगुलर है कि सिंगुलर है। तो अभी तो मेरे को ये पूरा सॉल्व करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा। तो मैं इसको पूरा सॉल्व करता हूँ। तो ये क्या आएगा यहाँ पे, 0 1 ज़ा 0 0 माइनस 1। ठीक है, तो ये मैंने ये बनाया इसका। अभी क्या बचा, माइनस सेकंड के लिए लेंगे। अभी इसमें क्या होगा, 1 माइनस 1। ठीक है, अभी आपका क्या बचा, 3 बचा, +3 करेंगे, और इसमें क्या है, 1 माइनस 0। ठीक है, सो इसकी वैल्यूज क्या आएगी, अभी 3 प्लस 1 माइनस 1 0, खत्म। 0 माइनस 1 माइनस 2 इज इक्वल्स टू, ये आपका क्या आ गया आंसर इसका, 1। ठीक है, इसका विच इज़ नॉट इक्वल्स टू 0, मतलब ये क्या है आपका, नॉन सिंगुलर है। ठीक है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, ये बन गया आपका नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। चलो कुल नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, तो हम लोग आगे का काम चालू कर सकते हैं, आगे का प्रोसीजर कंटिन्यू कर सकते हैं। तो रो ट्रांसफॉर्मेशन करना है, रो ट्रांसफॉर्मेशन करना है, मतलब मुझे कॉलम की वैल्यू उसको पहले 0 करनी है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे पहला मुझे 1 करना है। ठीक है, ये वाला पार्ट मेरे को क्या करना है, 1 करना है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे R2 की वैल्यूज को, R1 माइनस R2 अगर मैं कर दूँ, रो 1 को रो 2 से मैं माइनस कर दूँ, तो मुझे क्या मिलेगा यहाँ पे, ये वहाँ ऊपर वाला पार्ट जो है 1 हो जाएगा। ठीक है, तो स्टेप बाय स्टेप मैं करके दिखाता हूँ आपको। तो R1 टेंस टू R1 माइनस R2, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे वैल्यूज R1 की चेंज करनी है मुझे, तो मैं बाकी के वैल्यूज को ऐसे ही लिख देता हूँ, 1 0 1 1 1 1। ठीक है, मैंने लिख दिया यहाँ पे। अभी मेरे को 2 से R1 माइनस R2 करना है, R1 माइनस R2 करना है। तो 2 माइनस 1 1 हो जाएगा, 1 माइनस 0 1 हो जाएगा, 3 माइनस 1 2 हो जाएगा। ठीक है, क्लियर। चलो कुल, तो अभी आप देख पा रहे हो कि मेरे मेरे को क्या करना है, ये वाला पार्ट 0 करना है, ये वाला पार्ट 0 करना है। ठीक है, तो 10 बाय 10 करेंगे। अभी मैं ट्राई करूंगा कि मैं सबसे पहले इन चीज़ों को मैं 0 कर दूँ। इन चीज़ों को 0 करने के लिए क्या करना पड़ेगा अभी मेरे को, तो सिंपली मैं R2 को जो है यहाँ पे रिड्यूस कर सकता हूँ, R2 को R2 माइनस R1 कर दूंगा। ठीक है, तो मैं वो प्रॉपर्टी यूज़ करता हूँ, क्या करूँगा, R2 माइनस R1 इससे कर सकता हूँ, और क्या प्रॉपर्टी लगा सकता हूँ, R3 माइनस R1 भी कर सकता हूँ। इससे मेरे को ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, बराबर R3 माइनस क्या करूँगा, R1 करूँगा सिंपली। तो 1 1 2 एज इट इज़ मैंने लिख दिया ये,
क्योंकि इसमें कोई चेंजेस नहीं है। आर टू माइनस आर वन करना है बोले तो 1 माइनस 1 दैट इज 0, 0 माइनस 1 दैट इज -1, 1 माइनस 2 दैट इज -1। आर थ्री माइनस आर वन करना है तो अभी आर थ्री की वैल्यूज में से आर वन की वैल्यूज को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 माइनस 1 0, 1 माइनस 1 0, 1 माइनस 2 -1। कूल, प्रिटी कूल। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स मैंने 0 कर दिया। अभी मैं क्या करूँगा, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स यहाँ पे मेरा 0 हो गया है, तो अभी सिंपली मैं ट्राई करूँगा कि मेरा जो बाकी का पार्ट है वो 1 हो जाए, मतलब ये वाला 1 हो जाए, ये वाला 1 हो जाए। ठीक है, तो क्या कर सकते हैं हम लोग, इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, सो आर टू इज इक्वल्स टू -1 इंटू आर टू एंड आर थ्री इज इक्वल्स टू -1 इंटू आर थ्री। इससे ये करने से क्या होगा, मेरा ये पार्ट जो है यहाँ पे पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। 1 1 2 0 1 1 0 0 1। ठीक है, अभी ये करने से मेरे को क्या एडवांटेज होगा, अभी ये करने से एडवांटेज ये होगा कि मेरे को डायगोनल 1 मिल गया, अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स मेरा 0 हो गया। अभी सिंपली मेरे को ये 3 एलिमेंट को 0 करना है, जो कि बहुत ही इजी काम है मेरे लिए, इजी काम है। ठीक है, तो चलो इजी काम है तो इसको ख़त्म करते हैं। चलो तो अभी क्या करूँगा, सिंपली मैं यहाँ पे इसको ख़त्म करने के लिए क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे मैं करूँगा आर वन को माइनस आर टू से कर दूंगा, जिससे कि मेरा ये वाला एलिमेंट जो है मेरे को 0 मिल जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग सॉल्व करते हैं इसको। चलो ये अभी क्या प्रॉपर्टी है, आर वन माइनस आर टू, इससे करेंगे हम लोग। ठीक है, सो आर वन माइनस आर टू करूँगा तो 1 माइनस 0 1, 1 माइनस 1 0, 2 माइनस 1 1, बाकी का एज इट इज 0 1 1 0 0 1। सिंपली अब क्या करना है मेरे को, इन दोनों को भी मेरे को अभी 0 करना है, तो मैं क्या करूँगा, इसको 0 करना है और इसको 0 करना है, बराबर। तो क्या करूँगा अभी, इसको आर वन माइनस आर थ्री कर दूंगा और आर टू माइनस भी आर थ्री कर दूंगा। सो बाय आर वन इज इक्वल्स टू आर वन माइनस आर थ्री एंड आर वन इज इक्वल्स टू आर वन माइनस आर टू। ये करने से क्या होगा, मेरे को मिल जाएगा एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स। समझ में आई बात, सिंपल। तो मेरा ये हो गया सॉल्व, यहाँ पे हमने आइडेंटिटी मैट्रिक्स इसको बना दिया। अभी आगे के पार्ट को सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला है आपको, चेक वेदर द फॉलोइंग मैट्राइसेस आर इन्वर्टिबल और नॉट। ठीक है, क्या बोला है आपको, फॉलोइंग मैट्राइसेस आर इन्वर्टिबल और नॉट। चलो ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, मेरे को चेक करना है वो इन्वर्टिबल है या नहीं, तो मेरे को यही चेक करना है डिटरमिनेंट निकाल के, कि ये चीज़ जो है सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर है, इस तरीके से ही मेरे को फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो क्या है, 1 0 0 1 ये आपको पहला मैट्रिक्स दिया गया है, डन। तो ये क्या होगा, अगर मैं इसका डिटरमिनेंट निकालता हूँ तो 1 माइनस 0 इज इक्वल्स टू 1 विच इज़ नॉट इक्वल्स टू 0, हैंस इट इज़ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, इट इज़ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है तो इसका ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे अभी, हेंस ए इनवर्स एग्जिस्ट, खत्म, सिंपल। वैसे ही आपको डिटरमिनेंट निकाल के चेक करना है। अभी आपको क्या दिया गया है, 1 1 1 1 ये सेकेंड वाला है, तो सिंपली क्या करूँगा, 1 माइनस 1 करूँगा, 1 इंटू 1 और -1 इंटू 1 इज इक्वल्स टू 0। सो ये क्या है आपका, इट इज सिंगुलर मैट्रिक्स, सिंगुलर मैट्रिक्स है मतलब इसका क्या होगा अभी, ए इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, डज नॉट एग्जिस्ट, फास्ट एकदम सॉल्व हो जाता है, इसको टाइम ही नहीं लगेगा। अभी आपका क्या है, 1 3 2 3, देखो आपको हर एक क्वेश्चन सॉल्व कराने का एफर्ट डाल रहा हूँ मैं, आपका भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। ठीक है, सो 1 इंटू 3 करेंगे, माइनस क्या होगा आपका, 2 इंटू 3 हो जाएगा यहाँ पे। सो इसकी वैल्यू क्या आएगी, 6 विच इज इक्वल्स टू -3 विच इज नॉट इक्वल्स टू 0, हेंस इट इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है,
तो इसका ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, जिसका भी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है उसका ए इनवर्स जो है आपका एग्जिस्ट करेगा, है ना। अभी क्या है, 210315, ठीक है। सो अभी इसको भी आप सॉल्व करो, तो इसका भी देख लो, ये जो फोर्थ क्वेश्चन का है। उसके अलावा अभी एक इंटरेस्टिंग है तो उसको भी ले लेते हैं, उसको भी कवर कर लेते हैं। क्या है आपका, तो फिफ्थ वन करते हैं अभी। फिफ्थ वन क्या है, थोड़ा सा ये इंटरेस्टिंग है आपका। कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, अभी क्या है, कॉस थीटा है माइनस साइन थीटा है, साइन थीटा एंड कॉस थीटा है, बहुत सिंपल है ये। तो ये हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर थीटा माइनस माइनस इनटू माइनस, ये हो जाएगा आपका प्लस। तो पहले तो मैं ऐसे लिख देता हूँ आपको, ये हो जाएगा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसको सिंप्लीफाई करो तो होता है आपका कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। सो 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, अरे 1 साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है आपका, 1 होता है, बराबर। सो ये क्या हो गया आपका, ये हो गया आपका नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, तो इसका ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, इसका ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। अभी आगे ऐसे ही बहुत सारे देखेंगे आप। तो टोटल आपको कितने दिए गए हैं, 9 सम टोटल दिए गए हैं क्वेश्चन नंबर 3 में, तो उसको आप करके देख सकते हो। अभी मैं क्वेश्चन नंबर 4 को स्टार्ट करूंगा अभी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 सिमिलर टर्म है, उसको हम लोग स्किप कर सकते हैं, जो कि इजी है। तो यहाँ पे अभी क्वेश्चन नंबर क्या बोला है आपको 4 में, कि आपको फाइंड करना है ए बी, ए बी फाइंड करना है। उसमें आपको ए की क्या वैल्यू दी गई है, 1 1 2 -2, और ये क्या है, 3 और -3, ठीक है। कूल, ठीक है, ये हो गया आपका 2 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स। अभी दूसरा वैल्यू आपको क्या दिया गया है, बी का अगर मैं ले लूँ, सो ये है 1 1 1 और ये 1 -1 2 -2, इस तरीके का, ठीक है। सो मेरे को चेक करना है ए बी का इन्वर्स पॉसिबल है या नहीं है, तो इसके लिए मेरे को चेक करना पड़ेगा ये नॉन सिंगुलर है या नहीं है। सिंपली है भाई, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो कैसे हम लोग करते हैं मल्टीप्लाई ए बी को, तो इस केस में क्या करूंगा, अभी मैं ये फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से करूंगा, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से करूंगा। तो 1 1 प्लस 2 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 1, अभी फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से, सो 1 इंटू -1 प्लस 2 इंटू 2 प्लस -3 इंटू -2, ठीक है। अभी सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से, सो 1 इंटू 1 यहाँ पे, -2 इंटू 1 यहाँ पे, -3 इंटू 1 अभी सेकंड रो को सेकंड कॉलम से, सो 1 इंटू -1 -2 इंटू 2 -3 इंटू 1 सेकेंड गाइस, सो ये 3 इंटू -2 था, ठीक है। सो ये ऊपर वाला प्लस था, ये मेरी गलती हो गई, यहाँ पे आप चेक कर सकते हो, ये 3 है। सो 3 इंटू -2 था, अभी नीचे क्या है, -3 है, ठीक है। सो -3 इंटू -3 इंटू ये क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा मेरे पास इसका आंसर, तो इसको सॉल्व करेंगे तो सिंपली ये क्या हो जाएगा, 1 प्लस 2 प्लस 3, ठीक है। सो ये हो गया आपका 6, ये क्या हो गया आपका -1 प्लस 4 -6, ठीक है। सो ये क्या हो गया आपका, -1 प्लस 4 बोलेगा तो आपका ये हो गया +3, +3 -6 दैट इज -3, तो इसको -3 हमने लिख दिया। ये क्या हो गया आपका, 1 -2 -3 बराबर, सो ये -4 हो गया आपका। एंड ये क्या हो गया आपका, -1 -4 प्लस 6, ठीक है। सही हो गया आपका +1, ठीक है। अभी मेरे को इसका क्या करना है भाई, सिंपली मेरे को इसका डिटरमिनेंट निकालना है, तो 6 इंटू 1 लूँगा मैं, और क्या करूँगा, माइनस में डाल के 3 -3 इंटू -4 बोले तो ये हो गया आपका 6 -12 दैट इज इक्वल्स टू -6। ये -6 हुआ मतलब इट इज़ नॉट इक्वल्स टू 0, हैंस इट इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स,
मैट्रिक्स, ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, तो इसका क्या आएगा, हेंस ए इनवर्स एग्जिस्ट। क्लियर, सिंपल था एकदम, इसमें कोई टेंशन नहीं लेना है आपको, एकदम ही इजी था। अभी बाकी के भी सम आप थोड़ा बहुत प्रैक्टिस करो तो आपको भी आइडिया आ जाएगा कैसे सॉल्व करना है। तो मैं एक ट्राई करता हूँ यहाँ पे आप लोगों के लिए, हम लोग लेंगे क्वेश्चन नंबर 7 का करते हैं। चलो अभी क्वेश्चन नंबर 7 का करेंगे हम लोग। अभी क्वेश्चन नंबर 7 का आप देखेंगे तो फाइंड द इनवर्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग मेट्राइसेस इफ दे एग्जिस्ट। तो पहला क्वेश्चन मैं लेता हूँ आपको, मेरे को इनवर्स निकालने को बोला है इन लोगों ने, ठीक है। जब तक आपका 2x2 है तब तक बहुत ईजी, आपको 3x3 का मैट्रिक्स आ जाएगा तो थोड़ा सा आपको यहाँ पे टफ होएगा, ठीक है। तो ये बात को समझ लेना। अभी मेरे को इसका डिटर्मिनेंट निकालना है, तो फटाक से मैं इसका, मान लो ये मैट्रिक्स है, इसका डिटर्मिनेंट निकालता हूँ। तो 3 ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +2 इज इक्वल्स टू 5 विच इज़ नॉट इक्वल्स टू 0, सो इट इज़ अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, अभी मेरे को सिंपली इसका निकालना पड़ेगा। तो अभी इनवर्स निकालना है मेरे को, तो इनवर्स निकालने के लिए मेरे को क्या करना पड़ता है, ए ए इनवर्स करेंगे हम लोग, तभी जाके मेरा जो है ये आपका निकलेगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है। सो ये 1, 2, -1, 3 इस तरीके से मैंने ले लिया, इसको करूंगा ए इनवर्स और इज इक्वल्स टू, यहाँ पे मैं बनाऊंगा 1, 0, 0, 1, डन। अब मेरे को कुछ प्रॉपर्टीज यूज करना पड़ेगा, इसमें इन्होंने मुझे कहा नहीं है कि आप क्या कर सकते हो एंड क्या नहीं कर सकते हो, ठीक है। सो हम लोग ट्राई करते हैं यहाँ पे, मतलब कॉलम से कर सकते हैं, रो से कर सकते हैं, जैसे मन में आए वैसे कर सकते हैं। तो क्या करेंगे अभी हम लोग, आर टू को रिड्यूस करते हैं। आर टू को रिड्यूस कैसे करेंगे, -2 से करेंगे, तो ये वाला पार्ट मेरे को 0 मिल जाएगा। मेरे को ये 0 करना है और ये 0 करना है और इसको 1 करना है, ठीक है। क्या करूँगा मैं, बाय R2 -2R1, ओके। सो क्या मिलेगा मेरे को, वॉट वी गेट देन, अगर मैं R2 -2R1 करता हूँ तो 1 -1 एज इट इज रहेगा, ये 2 -2 0 हो जाएगा और ये 3 +2 5 हो जाएगा, बराबर बराबर। सेम प्रॉपर्टी मेरे को यहाँ पे भी अप्लाई करना पड़ेगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, R2 -2R1 कर रहा हूँ तो ये हो जाएगा मेरा -2, वन माई ये 0 -2 हो जाएगा, और यहाँ पे तो कुछ नहीं, यहाँ पे आपका हो जाएगा -2R1, ठीक है। सो ये आपका 1 एज इट इज रहेगा यहाँ पे, ओके, समझ में आया। अभी आपको 1/5 करोगे तो क्या क्या हो जाएगा, ये पार्ट आपका 1 हो जाएगा। तो बाय R2 tends to 1/5 ऑफ R2, सो व्हाट वी गेट नाउ, 1 -1 0 और ये हो जाएगा आपका 1। सिंपल, ए इनवर्स मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, 1 0, इसको 1/5 करना है तो -2/5 हो जाएगा ये, और ये क्या हो जाएगा आपका, 1/5 हो जाएगा, ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, रो को यहाँ से माइनस कर ऐड कर दूंगा, ठीक है। सो बाय R1 = R1 + R2, इससे क्या होगा, ये ऐड करूंगा तो 0 तो इसको कुछ अफेक्ट करेगा नहीं, सो 1 + 0 = 1 ओनली, -1 + 1 0 हो जाएगा, 0 1 ये हो गया एज इट इज। अभी ये सेम चीज मुझे यहाँ पे भी करना है, इसको ऐड कर देना है, तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे, अगर इसको ऐड करूँगा सो ये हो जाएगा 1 -2/5, बोले तो ये 1 -2/5, बोले तो 5 -2/5, तो 3/5 हो गया। ओरली कर रहा हो आप, इसको कर सकते हो, ठीक है। ये हो गया आपका, ये क्या हो जाएगा, ये 3/5 हो गया, इसको ऐड करूंगा तो ये 1/5 हो जाएगा, नीचे क्या है, -2/5 और ये 1/5 एज इट इज, ठीक है। ये आ गया मेरा मैट्रिक्स, तो याद रखना मेरा ए इनवर्स क्या आया, अभी मेरा ए इनवर्स क्या निकल करके आया, 1/5 को मैं कॉमन ले लेता हूँ, तो अंदर मेरा क्या बचता है, ये हो गया आपका 3, ये हो गया आपका 1, ये हो गया आपका -2 और ये हो गया आपका 1, खत्म। सिंपल है यार, खाली लेंदी लेंदी दिया हुआ है आपको, एक बार हैंड प्रैक्टिस हो जाएगा तो सब आपका हो जाएगा क्लियर। यहाँ पे तो हम लोग यहाँ पे स्टॉप करते हैं। तो गाइस थैंक यू, अगर आपने यहाँ तक इस वीडियो को देखा है तो आपसे एक दरख्वास्त है कि आप लाइक कर देना, इस वीडियो को शेयर कर देना आपके फ्रेंड्स के साथ, ठीक है। और अब तक सबसे इम्पोर्टेंट, अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर देना, ठीक है।
मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू एंड बाय बाय।